झारखंड में कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद अब प्रमंडलीय सम्मेलन करेगी। 5 से 12 मार्च तक पांचों प्रमंडल में सम्मेलन किया जाएगा। प्रमंडल में आयोजित होने वाले संवाद सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की बैठक विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर हुई। मिशन 2024 की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। मधुबन चिंतन शिविर में तय 100 दिनों के कार्यक्रम के तहत पार्टी अब प्रमंडलों में सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी उमंग सिंघार मौजूद रहेंगे। इस प्रमंडलीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की। इस बैठक में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कांग्रेस के चारों कार्यकारी अध्यक्ष, संगठन प्रभारी और जोनल कोऑर्डिनेटर शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी का सम्मेलन संवाद के नाम से जाना जाएगा, जिसमें संबंधित प्रमंडल के सभी कांग्रेसी से प्रभारी बात करेंगे। सम्मेलन और सम्मेलन में जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला की कमेटी है, पूरी प्रखंड की पूरी कमेटी, पंचायत अध्यक्ष, जो सदस्यता अभियान से जुड़े हुए लोग वो हैं, जो हमारे दल से संबंधित मुखिया, जो प्रतिनिधिगण है, जो वरिष्ठ नेता हैं जिले में, वो सभी इस प्रमंडलीय सम्मेलन में भाग लेंगे और हम लोग उनके उनको सदस्यता अभियान के बारे में भी बताएंगे और पार्टी में को कैसे संगठन को मजबूत करना है, संगठन के सशक्तिकरण को लेकर के बातचीत होगी। विधायक दल के नेता के आवास में हुए इस बैठक में ये तय हुआ कि 5 मार्च को हजारीबाग, 6 मार्च को दुमका, 7 मार्च को रांची में संवाद सम्मेलन होगा। कोल्हान और पलामू की तिथि जल्द तय होगी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का कहना है कि प्रभारी बनने के बाद अविनाश पांडे संगठन को मजबूत कर 2024 में बेहतर करने की तैयारियों में जुटे हैं, इस लिहाज से ये सम्मेलन अहम है। प्रभारी का संवाद होना अति आवश्यक है ताकि अपनी बातों को वो लोग रख पाएंगे और इसे क्या होता है, जब संवाद होगा तो संगठन में मजबूती मिलेगा और कार्यक्रम करने से स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता भी उसमें रेस होते हैं, उनमें ऊर्जा आती है। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस रेस है। प्रमंडलों में संवाद कर प्रदेश प्रभारी संगठन की नब्ज टटोलेंगे, साथ ही सरकार और संगठन के लोगों के बीच की दूरी भी बांटने का काम करेंगे। इस लिहाज से ये प्रमंडल सम्मेलन काफी अहम माना जा रहा है। न्यूज 11 भारत के कैमरा पर्सन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।